बोलिए हर हर महादेव। आज के इस प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं के सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जिनके साथ मुझे लंबे समय काम करने का सौभाग्य मिला, ऐसे हमारे नीलकंठ तिवारी जी, हमारे पूर्व मंत्री और लोकसभा के प्रभारी श्री सतीश द्विवेदी जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री विद्यासागर राय जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी श्री बृजनंदन सिंह जी, हमारे विधानसभा के संयोजक आलोक श्रीवास्तव जी, आत्मा विश्वेश्वर जी महानगर के उपाध्यक्ष, वीरेंद्र सिंह जी प्रदेश के सह संयोजक जो प्रवासी कार्यक्रम के संपर्क प्रमुख हैं प्रकोष्ठ के, और यहां काशी के विभिन्न समाज, विभिन्न संगठन, विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ पदाधिकारी और उनका नेतृत्व करने वाले हमारे सज्जन वृंद और काशी के प्रबुद्ध नागरिक बंधु, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है इस चुनाव के दौरान। और आप सब लोग काफी देर से यहां आए हैं, मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अभी नीलकंठ जी आपके सामने हैं, आज के इस बैठक का उद्देश्य पर भी वो चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा के चुनाव के दृष्टि से मैं हर बार उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जाता हूं और काशी एक ऐसी जगह है, वहां तो मैं हमेशा आता ही हूं, और जब मैं आता हूं तो आप सबके दर्शन हो ये मेरे मन की अभिलाषा भी रहती है। और काशी के सभी सज्जन वृंद ने मुझे ये सौभाग्य दिया, इसके लिए सबसे पहले तो आपका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, चुनाव की बेला है और चुनाव के दृष्टि से आप सब लोग जब यहां तक आए हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप सब लोग इस मन से आए हैं कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देना है, ये मैं इस बात से आश्वस्त हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने नहीं आया हूं, आपके माध्यम से और आपके प्रभुत्व से और आपकी ताकत से और आपके प्रभाव से आप समाज को प्रभावित करें और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त हो, यह निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। बहुत सी बातें हैं, अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से कहूं तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं और आपके सामने भी मैं उसको दोहराऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ देश का ही कायाकल्प नहीं किया, सिर्फ प्रदेश को ही आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ काशी का ही कायाकल्प नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीतिक डिस्कोर्स, राजनीतिक संवाद, राजनीतिक नैरेटिव, इसको 10 साल में बदल करके रख डाला है, 10 साल में। और अब आप पूछिएगा कि क्या है नैरेटिव, क्या है डिस्कोर्स, क्या है संवाद। तो 10 साल पहले भारत का आम नागरिक, मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि ये बारीकियां लोग ध्यान में ले नहीं पाते, मैं बार बार बोलता हूं, 10 साल पहले साधारण मानवी, साधारण नागरिक, साधारण व्यक्ति की बोलचाल में राजनीति के बारे में क्या चर्चा होती थी, तो चर्चा एक ही होती थी, कुछ नहीं बदलने वाला, सब ऐसे ही रहेगा, सब ढाक के 3 पात, कोई बदलने वाला नहीं है।
ये यानी 10 साल पहले हम उदासीन मानसिकता में जी रहे थे, हम अपने आप को राजनीति से अलग कर रहे थे और राजनीति के प्रति एक दुराव पैदा हो रहा था, राजनेताओं के प्रति भी दुराव पैदा हो रहा था और भारत की छवि क्या बन गई थी, करप्ट स्टेट, स्टेट स्पाइनलेस स्टेट, पॉलिसी पैरालिसिस, नो मेजॉरिटी, कॉम्प्रोमाइज विथ माइनॉरिटी, ये नैरेटिव्स थे। लेकिन 10 साल बाद जब आज आपसे मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, तो भारत का आम आदमी कह रहा है कि 2024 का वोट 2047 का संकल्प, विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का संकल्प। यानी आज आम आदमी ये मान गया है कि भारत विकसित भारत की ओर जा सकता है और जा रहा है, और यह नैरेटिव का अंतर आया, यह डिस्कोर्स का अंतर आया, यह संवाद का अंतर आया। दूसरी बात कि 10 साल पहले कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता था तो पहला प्रश्न होता था कौन जाति का है, कौन धर्म का है, होता था कि नहीं होता था, कौन इलाके का है, मैदान का है कि पहाड़ का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है, अगला है कि पिछड़ा है, हिंदू है कि मुस्लिम है, क्या है, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। आज 10 साल बाद कोई नहीं पूछता जाति, सब मोदी जी के नेतृत्व में मानते हैं कि विकासवाद ही देश को आगे ले जाने का मंत्र है, विकासवाद, इसलिए डेवलपमेंट इज द एजेंडा। और कोई अब जाति नहीं पूछता है, पूछता है कौन पार्टी से आए हो, यानी पार्टियां भी अपना कल्चर और ट्रेडिशन बता रही हैं। कोई पार्टियां मतलब अराजकता, वो पार्टी का नाम लेंगे तो आप बोलोगे अराजक है, उस पार्टी का नाम लोगे तो कहेंगे अच्छा ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड लोग हैं। तो यानी पॉलिटिकल डिस्कोर्स आज बदल गया, आज डेवलपमेंट का बात हो रही है और रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। हमारे लोग जब मंच पर खड़े होते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि जो कहा था वो किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, ये आज अंतर आ गया, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए आज भारत की राजनीतिक संस्कृति, भारत के राजनीति की परिभाषा, भारत के राजनीति का डेफिनेशन, भारत की राजनीति का चाल चरित्र, भारत की राजनीति का रंग ढंग सब बदल चुका है, सब बदल चुका है। पहले मैनिफेस्टो क्या होता था, एक पुलिंदा रख दिया, छुट्टी पा गए, अगले चुनाव में नया मैनिफेस्टो लेके आ गए। लेकिन अब अकाउंटेबिलिटी की राजनीति है और अकाउंटेबिलिटी में हम बताते हैं कि ये कहा था ये कर दिया, ये कहा था ये कर दिया, 95% काम करके दिया, जो 5 बचा है उसको भी करके देंगे, ये हम वायदा करते हैं। तो इसलिए राजनीति का कल्चर बदल गया, संस्कृति बदल गई है, ये हमको समझना चाहिए। तीसरी बात, अगर मैं डेवलपमेंट की दृष्टि से देखूं, आप बताइए काशी का कायाकल्प हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है, काशी के लोगों में कायाकल्प और विकास की भूख जगी है कि नहीं जगी है, आकांक्षाएं लगी है कि नहीं लगी है, एस्पिरेशंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। यही 10 साल पहले बोलते थे किसी को चुन लो, होना वही है जो होना है। ये अंतर हमको समझना चाहिए, राजनेता के माध्यम से कैसे आता है वो हमको समझना चाहिए। अब देखिए, मैं बार बार चर्चा करता हूं, आप लोगों के साथ भी चर्चा करूंगा, आप सब लोग मुझे विभिन्न समाज के लोग आए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, हमारे मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सज्जन वृंद हैं। आप बताइए कोरोना की मार के बाद और ये
अपना यूक्रेन युद्ध के बाद, सप्लाई चेन की समस्या के बाद, सारे देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाई कि नहीं डगमगाई? अमेरिका की जीडीपी घट रही है कि नहीं घट रही है? आप बताइए, यूरोप का अर्थनीति डगमगाई हुई है कि नहीं है? चाइना पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जापान पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया मुसीबत में है कि नहीं है? यूरोप मुसीबत में है कि नहीं है? इन विपरीत परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 11वें स्थान से छलांग लगा करके 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें स्थान। और हमने किसको पछाड़ा है? जहां भारत मूल का ही प्रधानमंत्री बैठा है और जिसने हमको 200 साल राज किया, ब्रिटेन को हम पछाड़ करके आज भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। और आप मोदी जी को तीसरी बार लाएंगे, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर की। हमने अपने देश में देखा, हम दवाई, टेटनस की दवाई, मैं पहले भी बता रहा था, टेटनस की दवाई को भारत में आने में 25 से 28 साल लग गए, ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में 28 से 30 साल लग गए, डिप्थेरिया की दवाई को भारत में आने में 30 साल लग गए, जापानी एंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में भारत में 100 साल लग गए। अब आपको खुशी होगी कि नहीं होगी कि भारत आज दवाई बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर है, दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर, और सबसे सस्ती और असरदार दवा भारत बना रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि कोरोना में 27 जनवरी को पहला केस 2020 को डिटेक्ट हुआ, 20 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं दो दो वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बना करके दी और दुनिया का वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर किसी ने किया तो भारत ने किया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और 220 करोड़ डोज, डबल डोज विद बूस्टर लगा करके भारत को बचाने का काम, 140 करोड़ की देश को बचाने का काम किया। और आपको और भी जान के खुशी होगी कि अन्य देशों में वैक्सीनेशन 60% हुआ, 70% हुआ, भारत में 100% हुआ, सब लोगों ने वैक्सीन लगाई और बाकी जगह कागज पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलता है, भारत में आपके मोबाइल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलता है। ये डिजिटल इंडिया मोदी जी के नेतृत्व में बना, इसको भी हमको समझना चाहिए। आज वैक्सीनेशन की दृष्टि से हम और 100 देशों में वैक्सीन पहुंचाई गई है, 48 देशों में वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई गई है, मुफ्त पहुंचाई गई। आप देखिए, नेपाल में अर्थक्वेक आया, भारत सबसे पहले, इंडोनेशिया में आया, भारत सबसे पहले, मेडागास्कर में त्रासदी आई, भारत सबसे पहले, फिजी में त्रासदी आई, भारत सबसे पहले, तुर्की में भूकंप आया, भारत सबसे पहले। यानी विश्व मित्र के रूप में मोदी जी ने भारत को स्थापित किया है और कहीं भी तकलीफ हो तो भारत आएगा, ये भी हमको समझ। और 48 देशों को कोरोना में मुफ्त वैक्सीन देने का काम भारत ने किया है। भारत अब लेने वाला भारत नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला भारत बन गया, ये भी हमको समझना चाहिए, ये भी। सिलोन में, फिजी में, मालदीव्स में, कहीं भी कोई त्रासदी आई, भारत सबसे पहले पहुंचा है। और हमने ये भी नहीं देखा हमारे रिश्ते कैसे हैं, मानवता के आधार पर हम लोगों ने काम किया, ये आज बदलता भारत हमको देखने को मिलता है। आप केमिकल एक्सपोर्ट्स में भारत 106% हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, स्टील में हम नंबर 2 पर आकर के खड़े हो गए हैं। मैं बार बार लोगों को सुनाता हूं, 10 साल पहले जिस गणेश जी को आप दीपावली में पूजते थे उसको मेड इन चाइना होता था, मेड इन चाइना। आज विशुद्ध भारतीय गणेश जी को लेकर के आप दीपावली में पूजन करते हो, ये आत्मनिर्भर भारत है। और टॉय इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर का एक्सपोर्टर हो गया, तीसरे नंबर का एक्सपोर्टर। आपके पास, हमारे पास जो गाड़ियां हैं,
आपको जानकर खुशी होगी, बचपन में हम सुना करते थे अमेरिका के प्लाइमाउथ, प्लीमथ, इम्पाला, फिर हम सुनते थे जापान की डैटसन, जापान की टोयोटा, आज भारत ऑटोमोबाइल में जापान को पिछाड़कर तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर और मार्केट बन गया। ये बदलता भारत है। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया। 10 साल पहले मेड इन जापान लिखा होता था, मेड इन ताइवान लिखा होता था, मेड इन चाइना लिखा होता था, मेड इन कोरिया लिखा होता था। आज आप मेड इन इंडिया का मोबाइल लेकर के फिर रहे हो। 97% मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल भारत कर रहा है, दुनिया का दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर हो गया। बोलो, भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया कि नहीं आया? आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कायाकल्प हुई कि नहीं हुई? अब आप देखिए, कौन सा ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसपे भारत की नुमाइंदगी ना हो? ब्रिक्स, क्वाड, I2U2, हमारा ये SCO, हमारा G7, G20, कौन सा ऐसा इंटरनेशनल फोरम है जहां भारत को इनवाइट ना किया जाए और जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट ना किया जाए? कौन सा ऐसा भारत इंटरनेशनली आज भारत की ख्याति, भारत की थाती, भारत की ताकत मोदी जी के नेतृत्व से स्थापित हुई है दुनिया की निगाह में? इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है व्हाट इंडिया सेज, और आपको अपनी जिम्मेवारी 1 तारीख को पूरी करनी है। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, दुनिया रिकॉग्नाइज करेगा कि भारत अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता इस विकास के साथ चलते। इसलिए हर दृष्टि से देखा जाए, आप नेशनल हाईवे की बात कीजिए, 55,000 किलोमीटर सड़क बनी नेशनल हाईवे। पहले हम नेशनल हाईवे जानते भी नहीं थे कि क्या होता है। मैं तो बचपन में काशी आया करता था, जीटी रोड, और जीटी रोड ऐसी थी, एक ट्रक आया नहीं कि गाड़ी सड़क से नीचे उतरी नहीं, नहीं उतारे तो गए। और जीटी रोड के किनारे, आपको याद पता नहीं है कि नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है, ईंटों के पत्थर रखे होते थे ताकि वो मिट्टी में धस ना जाए गाड़ी, और ठल करती थी। आज नेशनल हाईवे, कोई एक्सप्रेसवे, कोई ग्रीन कॉरिडोर, कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप बुलाओ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? 29 शहरों में आज 936 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बन गई, मेट्रो चल रही हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। 26,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, सारा देश रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, कितना काम हुआ है 10 साल में, सारे रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है, कोई रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट से कम का नहीं होगा, इस तरीके का रेलवे स्टेशन बन रहा है, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। आप बताइए, वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी कि नहीं चल पड़ी? चल रही है कि नहीं चल रही है? ट्रेन का फर्क महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लगता है कि हम अब मीडियम स्पीड पर ट्रेन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये फर्क हमको आज आधुनिक भारत से परिचय कराया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने कराया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं पहले भी, सुबह भी मैंने शायद कहा था, अब फिर आपसे कहता हूं, देखिए डिप्लोमेटिक भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग देश को कैसे देखते हैं, और डिप्लोमेटिक संबोधन बहुत महत्व का होता है। दुनिया में कोई भी नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भारत आता था तो याद करो 10 साल पहले या तो भारत की धरती पर बैठ करके वो पाकिस्तान से फोन पे बात करता था, या भारत से जाने के बाद पाकिस्तान जाता था, या पाकिस्तान से होकर के भारत आता था। मतलब अगर भारत आए तो पाकिस्तान को बुरा ना लगे, इसलिए मैत्री 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 मैत्री, और
कोई भी दुनिया का नेता जब भाषण देता था तो बोलता था इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान इंडिया से जुड़ा हुआ था। हमारे अंग्रेजी में शब्द है हाइफन, इंडिया हाइफन पाकिस्तान। अब डी हाइफनेशन हो गया, इंडिया के साथ अब पाकिस्तान का नाम कोई नहीं लेता, इंडिया इंडिया हो गया, पाकिस्तान वहां छूट गया। ये डिप्लोमेटिक भाषा में, हमारे जिसको कहते हैं कूटनीतिक भाषा में, ये अंतर आ गया। पहले मनमोहन सिंह जाया करते थे, हमको पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ये 9/11 हो गया, फलाना हो गया, 11 क्या था वो मुंबई कांड, वो हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, हमने डोजियर भेजा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान जवाब नहीं देता है, शिकायत करने जाते थे। आज मोदी जी जाते हैं तो स्टेट गेस्ट होते हैं, वॉशिंगटन में डीसी में राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में डिनर पर बुलाया जाता है, जो दुनिया के 3-4 लोगों को बुलाया है उसमें नरेंद्र मोदी जी और एक बार नहीं दो बार बुलाया जाता है। और चर्चा क्या होती है, भारत आपके साथ सेमीकंडक्टर्स में आगे बढ़ेगा, भारत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, भारत सिक्योरिटी में आगे बढ़ेगा, भारत पीसफुल तरीके से मानवता के विकास के लिए जॉइंट वेंचर करेगा। आज ये अंतर आ गया। बोलिए, ये बदलता भारत है कि नहीं है? हमारे कांग्रेसी भाइयों को दिखता ही नहीं है, और मैंने कहा मैं नजर तो दे दूंगा, दृष्टि कहां से लाऊं? आई कैन गिव यू आईज बट आई कांट गिव यू विजन, विजन तो अंदर से आती है, तो वो कहां से लाऊं मैं तुम्हारे लिए? लेकिन आज भारत बदल रहा है। आप बताइए, ये आपके मोबाइल में अगर कोरोना का 220 करोड़ लोगों को अगर सर्टिफिकेट मिलता है तो भारत डिजिटाइज हो गया कि नहीं हो गया? और अगर आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को अगर नो कैश पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से उनका इलाज होता है तो भारत डिजिटल हो गया कि नहीं हो गया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2,00,000 पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया है, 2,00,000 गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर पहुंच चुका है, यानी आज गांव में बैठा हुआ नौजवान अपनी मंडी का और दुनिया की मंडी का पता कर सकता है, मेरे फूल सबसे अच्छे कहां बिकेंगे, मेरा गंधम सबसे अच्छा कहां बिकेगा, मेरा सेब सबसे अच्छा कहां बिकेगा, मेरा फल संतरा कैसे सबसे अच्छा बिकेगा, कौन सी मंडी मंदी है, कौन सी मंडी तेज है। यहां से लेकर के दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय को कोई भी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन डालना हो तो वो गांव से डाल सकता है। ये कॉमन सर्विस सेंटर 2,00,000 गांव में स्थापित हुए, और जब ये काम चल रहा था तो ये कांग्रेसी भाई और ये जो अखिलेश पढ़ा लिखा अनपढ़ है ना, इसको मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ बोलता हूं, ये बोलता था भारत तो अनपढ़ है, डिजिटल क्या करेगा, ये कौन इस्तेमाल करेगा, इसको मालूम नहीं है कि भारत में अब सब्जी बेचने वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है, डिजिटल पेमेंट। ये बदलता भारत है, इनको भारत के गौरव और भारत की ताकत का अंदाजा नहीं था, वो मोदी जी को अंदाजा था। आज यूपीआई का ट्रांजैक्शन का, डिजिटल ट्रांजैक्शन 40% का कंट्रीब्यूशन इंडिया का है, दुनिया में 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत कर रहा है, ये आज अंतर आ गया। तो इसलिए ये बदलता भारत है। आप बताइए, ग्रामीण सड़कें, पक्की सड़कें गांव तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है? 1,60,000-70,000 किलोमीटर की सड़क बन गई हर गांव में। मैं पहाड़ी गांव से आता हूं, हमारे यहां कहीं शादी बारात में जाते थे ना तो हमारे साथ मेरा बिस्तरा भी जाता था, होल्ड ऑल, क्योंकि जिस गांव में गए वहीं पड़ गए। अब कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, रात तो बितानी होगी, तकलीफ हो जैसी हो जाना होगा। आजकल बताइए, आप सब लोग एक एक दिन में 4-4 शादियां अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? गांव में एक जगह शादी अटेंड की, स्कूटर को किक मारा अगले गांव में, गाड़ी को सेल्फ मारा अगले गांव में, 4-4 गांव की शादियां अटेंड करते हैं। बोलिए, फर्क आया कि नहीं आया जीवन में? ये है गांव की ताकत आज खड़ी हुई। मैं आपके यहां की तस्वीर नहीं जानता, लेकिन मैं अपने इलाके में बताना चाहता हूं, मेरे यहां का कोई भी एमएलए शहर में नहीं रहता, सब गांव में रहते हैं।
क्योंकि 15 मिनट में, आधे घंटे में, एक घंटे में वो अपने गांव में पहुंचते हैं। गांव में बिजली है, पानी है, सड़क है, हाई क्वालिटी लाइफ है, इसलिए गांव को विकास हो रहा है। गांव और शहर में अब अंतर नहीं रह रहा है, यह परिस्थिति आकर के खड़ी। यह विकास के नए आयाम, यह विकास के नए स्टैंडर्ड्स को हम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लीजिए, 4 करोड़ घर बन गए। अभी आप मोदी जी को फिर से जिताएंगे, 3 करोड़ नए घर बनेंगे। ये लंबे समय से नीलकंठ जी विधायक है, मैं बार बार बोलता हूं, इनको और हमको एक पंचायत में यूपीए की सरकार में इंदिरा आवास योजना में 2 घर मिलते थे, एक और इनको एक वार्ड में मिलता था, मेरे को एक पंचायत में मिलता था, यही मिलते थे ना। आजकल 50-50 मकान, 4 करोड़ घर बन गए, 50-50 मकान, और इस 4 करोड़ में भी आधे मकान बहनों के नाम पर हैं, उनका स्वामित्व महिला सशक्तिकरण के लिए दिया गया, ये फर्क आ गया। और मोदी जी अभी 3 करोड़ घर और बनाएंगे, ताकि कोई कच्चे छत के नीचे न रहे, सबको पक्के छत में रहने का मौका मिले और उनको अवसर मिले, इसकी कोशिश है। अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना, आप सबका बिजली का बिल आगे जाकर के जीरो होने वाला है, जीरो, क्योंकि हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी सरकार की सहायता से, आपके बिजली का खर्च जीरो हो जाएगा, जो बिजली बचेगी वो ग्रिड में चली जाएगी और जितने यूनिट वहां खर्च होगा वो पैसा आपके घर में पहुंच जाएगा, आमदनी का साधन बनेगा। ये प्रधानमंत्री घर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब ये लागू होने वाली है और आपके बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। नेता बोलते हैं 200 यूनिट फ्री होगी, 300 यूनिट फ्री होगी, मोदी जी ने कहा सारी यूनिट फ्री हो जाएगी, बिजली मुफ्त हो जाएगी। तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में एक बहुत बड़ा कदम है। आप बताइए, आप देखिए देश में, आप लोगों को शायद असर नहीं होता होगा क्योंकि आप सब लोग अच्छे घरों से आते हैं, लेकिन आप साधारण मानवी की बात सुनिए। ये सब एमएलए हमारे, एमपी, हम खुद, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा प्रदेश में भी और देश में भी, सब चिट्ठियां लिखते थे मेरे को, मंत्री जी मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको कैंसर हो गया है, उसका बाईपास होना है, उसका नया वेल्व लगना है, उसका किडनी का ऑपरेशन होना है, 1,00,000 रुपए खर्च होगा, गरीब आदमी है, वो इलाज नहीं करा पाएगा, उसका खेत बिक जाएगा, उसका मकान बिक जाएगा, कृपया कुछ अनुशंसा देने की कृपा कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे गरीब लोगों को 10,74,00,000 परिवार, 50 करोड़ लोग, और मैं बार बार सबको बताता हूं ये गरीब लोग हैं, कोई रिक्शा वाला है, कोई रेड़ी वाला है, कोई फेड़ी वाला है, कोई बस का ड्राइवर है, कोई बस का कंडक्टर है, कोई बाल काटने वाला है, कोई रैग पिकर है, ऐसे गरीब लोगों को हर साल याद रखिएगा, हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5,00,000 रुपए का, गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इलाज की व्यवस्था की है 5,00,000। बताइए ये बदलता भारत है कि नहीं है। अब आपको एक और खुशखबरी दे दूं, आपके मोदी जी, हमारे मोदी जी, आपके क्योंकि काशी से ही उन्होंने सांसद बनना है, आपके सांसद होंगे, हमारे पार्टी के नेता हैं, आप तीसरी बार जिताएंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि इस देश का कोई भी नागरिक, कोई भी बहन, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का और किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से 70 साल से ऊपर की उम्र प्राप्त करने पर 5,00,000 रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने का हर साल आयुष्मान कार्ड मिलेगा, हर साल। यहां इंश्योरेंस कंपनी भी 70 साल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते, करते हैं तो बहुत ऊंचा प्रीमियम रखते हैं और 70 साल से लेकर के जब तक जीवन लीला समाप्त नहीं होगी तब तक उसका हेल्थ का, गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी का 5,00,000 रुपए की व्यवस्था होगी। आप बताइए ये बदलता भारत है कि नहीं है, बदलते चीजें हैं कि नहीं है। इसलिए मित्रों आप बताइए, बनारस का, काशी का कायाकल्प हो गया कि नहीं हो गया। आप बताइए आज
चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं कि नहीं है, नेशनल हाईवे है कि नहीं है, एलिवेटेड रोड आपने पहली बार सुना होगा, बाईपास आपने पहली बार देखा होगा, यानी शहर में, ऐसे नहीं ऐसे आपने देखा ही होगा, लेकिन अपने शहर में बाईपास पहली बार देखा। आप बताइए इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजों में परिवर्तन आया कि नहीं आया, डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, आप बताइए ये इस एस्पिरेशन को हमको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अगर बढ़ाना है तो 1 तारीख को आपको अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी होगी, और 1 तारीख को मुझे आपका वोट ही नहीं चाहिए, आपके मोहल्ले का वोट चाहिए, आपके रिश्तेदारों का वोट चाहिए। रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीतना है, रिकॉर्ड मार्जिन से। गर्मी एक दिन सह लेना, मोदी जी आपके लिए हर दिन गर्मी सहते हैं, हर दिन, हर पल। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? इसलिए एक दिन उनके लिए आपको अपने काम में जुटना पड़ेगा, मतदान करिए, अधिक वोटों से आप चुनाव जिताइए। आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, मुझे मालूम है कि आप इतनी देर से बैठे हैं तो आप तो मोदी जी को आशीर्वाद देंगे ही, लेकिन आपके माध्यम से, आपके प्रभाव से, आपके प्रभुत्व से मोहल्ले का समर्थन मिले, सारे लोगों का समर्थन मिले, और सबका समर्थन बूथ पर जाकर कमल का बटन दबा करके मिले, ये मेरा आपसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।